राम 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 जय श्री राम। बाबा साहब जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। पहले मेरी धर्मपत्नी पूजा करती हैं और उसके बाद मुझे मौका मिलता है। अबू ने बोला है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं इसको किस प्रकार से लेता हूँ कि प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि धैर्य कैसे रखा जाए। और फल बहुत मीठा होता है। मैं 13 साल की उम्र से हनुमान जी का पाठ यानी कि हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। कई महीने कई साल छूट भी गया, क्यों, कभी आर्मी की नौकरी, कभी कुछ कभी कुछ। जब प्रभु मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं पक्का ही हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हनुमान जी को का पाठ करते करते हनुमान जी ने मुझे बताया राम जी की महिमा, तो मेरी सुबह राम राम से ही शुरू होती है। राम राम करते करते राम जी ने मिला दिया मुझे राधे से, तो अब मैं करता हूँ राधे राधे। और 3 महीने के अंदर ही 23 फरवरी 2023 को मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ वृंदावन गया था, परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद जब घर आया तो राधे का आदेश आ गया कि मीट मांस का त्याग कर। मैंने उसी दिन से उसी समय से मीट मांस का त्याग कर दिया और अब मैं राधे के पीछे पड़ गया हूँ। राधे से मैं कहा, राधे मुझे पैसा नहीं चाहिए, हाँ पैसा चाहिए कि जो मैंने वचन दिए हुए 3 मंदिरों में मैं उनको पूरा कर सकूँ। अगर राधे ने मुझे पैसा दिया तो मैं अपना वचन पूरा कर पाऊँगा, अगर राधे ने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं वचन पूरा नहीं कर पाऊँगा। वचन भी वही है कि अगर ईश्वर ने मुझे दिया तो मैं इन मंदिरों में वो ईश्वर का प्रसाद इन मंदिरों में भी चढ़ाऊँगा। और भजन, अभी राधे से ने मुझे भजन दिया है, कान मेरे रूठ गए, कान मेरे रूठ गए उनको मनाऊं कैसे, कान मेरे रूठ गए उनको मनाऊं कैसे, उनको मनाऊं कैसे, उनको मनाऊं कैसे, उनको रिझाऊं कैसे। और इसके लिए कान्हा ने मुझे राधे दे दिया, राधे से मिला दिया है। और अभी तो मैं पूजा के लिए जा रहा हूँ अल्मोड़ा, उसके बाद वहाँ पर अभी माता रानी हैं, माँ नंदा सुनंदा देवी, उनके चरणों में शीश झुकाऊँगा। माता कसार देवी हैं, उनके चरणों में शीश झुकाऊँगा। हमारे ग्वाल देव हैं, उनके चरणों में शीश झुकाऊँगा। और जो कुछ भी वहाँ करूँगा वो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। तो आप भी राधे को, राम को, राधे को याद कीजिए और इंतज़ार कीजिए। आप जितना जाप करेंगे, जितना जल्दी आप राम और राधे को प्रसन्न करेंगे, आपके जीवन में उतना ही आनंद आएगा। मैं पैसे का लालच नहीं दिखा रहा आपको, आपके अंदर एक शांति आएगी और आपको बहुत ही आनंद आएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो मित्रों, मैं रोज़ ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, मैं आपके कीमती समय को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता हूँ। मैं जब भी कोई ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ उसमें मेरे मित्रों के लिए कोई एक छोटा सा संदेश जाए। क्या पता किस मित्र को राधे की कृपा मिल जाए। तो बोलो राम राम राधे राधे, राम राम राधे राधे, राम राम राधे राधे। ये मेरी धर्मपत्नी हैं, ये हैं प्रधान पुजारी, ये कांति को यानी कि लड्डू गोपाल को की सेवा करती हैं। और मैं हो गया हूँ राधे का। और ये हैं मेरे नए राधे। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, बोलो। कांति को स्नान करा रहे हैं। राधे 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 राधे। मैं अपने लिए राधे से जो मांगता हूँ वो ये है, मैं भी हूँ स्वार्थी राधे है जानता, जो औरों को चाहिए वो मैं नहीं मांगता। राधे मुझे वो मत देना जो धरा पर धरा रह जाए, मुझे तो वो देना जो संग मेरे जाए। लेकिन राधे के सामने मैंने बहुत सारी
फहरिस्त रखी हुई हैं, उसमें से एक है कि मेरे पोते को ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो राधे राधे ही करे। जय हो राधे राधे। अच्छा ले आओ ले आओ। हाँ ले आओ। इसमें से तो निकाल लिया बाबू मैंने, कानू जी के कपड़े निकाल लिए। ये रे देखो ये रे, ये वाले बनाएंगे ना, ये वाले, ये बना दो, ये बना दो। ठीक है उसको रख दो, फिर उसको रख दो। दो दो नहीं बाबू, एक ही तो बनाएंगे, उसको रख दो। चाप भी कर लिया मैंने, मैंने साफ कर लिया। चलो हाँ साफ कर लिया। कांजी को कपड़े बनाएंगे ना हम। हाँ छापोगे बस रखो। टोकरी को वही रखो, जाओ टोकरी वही रखो, रखो बेटा टोकरी में। छापा अंदर रखो, नीचे 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 रखो बाबू, नीचे में ना बाबू, वहीं पर रखो नीचे। देखो यहाँ पे वहाँ नहीं आएगा वो, यहाँ पे रखो, यहाँ नीचे देखो, ये इसके अंदर डालो। हाँ डालो इसके अंदर, यहाँ पर पूरा सामान पूजा का ही है। इसके अंदर डाल दूँगा बाबू, यहाँ रख दूँगा बाबू, वहाँ नहीं आएगी। अच्छा ऊपर रखोगे, रख दो ऊपर रख दो। अच्छा आसन आसन चाहिए आपको, जाओ आसन ले लो अपना। अभी पूजा के बर्तनों की सफाई हो रही है, पोता अपनी दादी की मदद कर रहा है। आपका नाम क्या है? बैठो दादी, बैठो। बैठो, हाँ, बैठो। आपने अपना नाम तो बताया नहीं मेरे को, नाम क्या आपका? नाम बता दो। बहुत बदमाश बच्चा है, जब इसे ये मालूम हो जाता है कि वीडियो बन रहा है उसके बाद ये बात करना बंद कर देता है। बाबू एक मिनट को लाओ, यहाँ रख दूँ। हाँ इसको भी साफ कर दूँ, खाना देंगे ना इसमें हम। मैं अपने पोते के लिए राधे से यही मांगता हूँ कि जो भक्ति भाव इसको अभी से उन्होंने दिया है उसे आजीवन बनाए रखें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा राधे और बढ़ा दें। इसको यही रखो, अब रखो इसको इधर। अच्छा उधर रखो, पहले रख दिया, अब तो इसमें रख देंगे ना, नीचे रखेंगे पानी। रख दिया आपने, दिखाओ अपने अपने हक में है ना, अभी चिंता करो। ठीक है ये विष्णु श्री हरि के लिए रखेंगे, ठीक है ना दादी? आलू दे। हाँ लाओ ये मेरे को दे दो। हाँ बस इनको ही रखना लाओ। हाँ हाँ अगरबत्ती जलाएंगे ना, लाओ मुझे दो, लाओ मुझे तो, मैं लाऊंगी जल्दी जल्दी दो, फिर हाथ जल जाएगा फिर आपका। अभी रुको तो सही, पहले जला दो तुम बेटा, फिर रुको तो ये रुको ना। किसको लगाना है टीका? किसको लगाना है? दादी आलू टीका। और गोविंद, गोविंद भी तो लगाएगा। बस बेटा हो गया, बहुत हो गया। यहाँ पे रखो, इसके रखो एक और, एक और देखो ये लो, ये लो, रहने दो इसको, एक ही है मेरे हाथ में है ना, इसको रखो बस, रख दो इसको, रख दो। घंटी बजाओ, जोर से बजाओ।
भी देती हूँ, देती हूँ। ये रो, ये रो, ये ले, ये ले प्रसाद। ये हाँ बम बम कौन है? बम बम कौन है? बम बम ये है, ले लो। बच अब छोटे भक्त ने पूजा कर ली है और अब वो जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और अपनी दादी के साथ तुलसी पूजा, सूर्य पूजा करने के लिए अभी हमारा भैवम सिंह छत पर जा रहा है। छोटा सा घर है, जाके पश्चात अभी नाश्ता बनाया जा रहा है। छोटी सी रसोई है किंतु खुशियों से भरपूर है, क्योंकि ईश्वर कृपा है, सुख है, शांति। मित्रों, ये है मेरी श्री रामचरितमानस और ये है गीता प्रबोधिनी। आपने देखा कि मैं से बैठा, दोनों घुटनों में तकलीफ है। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपया भी देंगे कि बिगड़ सहारे के बैठ जाओ या बिगड़ सहारे के उड़ जाओ, तो मैं आपको नमन करूंगा और आपसे माफ़ी मांगूंगा। ये है हमारी दिनचर्या। मेरी तो खैर नहीं है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी की जो है दिनचर्या यही है, सुबह शाम भगवान की सेवा करना। मैं शिफ्ट में काम करता हूँ, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं भगवान के पास आके बैठ जाता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। उसके बाद श्री रामचरितमानस का 1-2 पेज पढ़ूंगा और उसके बाद ये है मेरी जाप की माला, 2 जाप भगवान के नाम का करूंगा, क्योंकि इन सभी देवी देवताओं ने मुझे 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। तो मैं इनकी सेवा में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आके बैठता हूँ। तो आज आपको दिखाया है मैंने अपना रोज का रूटीन। मैं तो रोज़ नहीं होता हूँ, लेकिन मेरा पोता, मेरी धर्मपत्नी, उनका सुबह शाम का ये नियम है प्रभु सेवा करने का। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। भारत माता की जय। जय हिंद।